आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दो तीन दिन से आप लोगों की वीडियो आई नहीं। संडे मैंने आप लोगों को लास्ट वन शॉट की वीडियो बना के दी थी, तो अब ये दो तीन दिन में जो आपकी वीडियो मैं नहीं बना पाया उसमें एक छोटा सा पंगा ही हो गया कि मैंने लालच में आके मंडे को अपना फोन अपडेट कर दिया। और उस अपडेट के चलते क्या हुआ पता नहीं, कैमरे की सेटिंग्स में क्या ग्लिच आया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन ब्लरीनेस क्लियरनेस नहीं आना, बेसिकली वर्ड्स कुछ गायब हो रहे हैं या कह दो स्क्रीन जो क्या कहते हैं कैमरा है उस सारी चीजों को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा था। काफी ज्यादा दो तीन दिन मशक्कत करने के बाद आप लोगों की यहाँ पे आज दोबारा से वीडियो दो कंटिन्यूटी में शुरू हो चुकी है, तो हम दहे दिल से माफी चाहेंगे आपकी कंटिन्यूटी इंटरप्ट करने के लिए। बट अगेन आप लोगों की सीक्वेंस दोबारा से शुरू है, और साथ ही आप सब लोगों को यहाँ पे संडे को दो वीडियोस और थी जो उस टाइम पे नेटवर्क ग्लिच की वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी, वो भी आज आप लोगों को मिल चुकी होंगी। यानी आपके जो रिडॉक्स चैप्टर चल रहा था वो कंटिन्यूटी में आ गया है, क्लास 12 की वीडियो भी दोबारा से कंटिन्यूटी में आज डल गई है, और मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रहा था चैप्टर 2 की, वो दोबारा से ये वन शॉट की फॉर्म में जो चैप्टर कराया गया था उसकी सीक्वेंस भी आप लोगों के लिए हाजिर है। तो जैसे कि हमारा दिन आप लोगों का आज की वीडियोस के साथ भरपूर बीत रहा है, यही कंटिन्यूटी दोबारा मेंटेन रहेगी क्योंकि ग्लिचेस रिमूव हो गए हैं। तो आइए जरा थोड़ा सा हम इचिंग क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट के लिए। आप लोगों को थोड़ा सा सब्जेक्ट परेशान कर रहा था, तो अब हम सब्जेक्ट को परेशान करेंगे, इसका नाश कर देंगे बदतमीज का। आप सब लोगों को मैंने लास्ट टाइम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पेंडिंग में है, और साथ ही एक क्वेरी जो काफी टाइम से कंटिन्यूटी में चलती भी आ रही है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। आपने ये तो पढ़ा दिया क्वांटम नंबर क्या चीज है, कैसे उसमें सबशेल्स ऑर्बिटल्स नाम की एक चीज होती है, लेकिन सर उसमें कॉन्फ़िगरेशन रह गई। तो आप लोगों को क्वांटम नंबर की कॉन्फ़िगरेशन में आज की वीडियो में सिखाऊंगा, दो और न्यूमेरिकल वैरायटीज आप लोगों को सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल वैरायटीज आप लोगों को सारी प्रैक्टिस करनी होगी, और क्वांटम नंबर की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे आज रुकेंगे, और कल की क्लास में सारा चैप्टर निपटा देंगे क्वांटम नंबर्स के सारे क्वेश्चन। बस आपको जो कॉन्फ़िगरेशन का जो होमवर्क दिया जाएगा वो पूरा करना पड़ेगा। तो आइए जरा पिक्चर में लौट के आए, तो आप सब लोगों को मैंने क्वांटम नंबर्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाना सिखाया था, 1s 2s 2p 3s ये सीक्वेंस पढ़नी सिखाई थी। मैंने कहा था 1 से 8 तक s बनाओ, 2 से 7 तक p, 3 से 6 तक d और 4 से 5 तक f, जितने भी सबशेल्स आए सबको आप डायगनली कनेक्ट करो, डायगनली, और डायगनली कनेक्ट करने के बाद सबको ऊपर से पढ़ना शुरू करो, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s, इसी सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओ। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, 2p की कंटिन्यूटी में 3s आया, फिर 3p आएगा, उसके बाद 4s आएगा, 3d 4p 5s, इसी सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। अब ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस बनी है, इस सीक्वेंस को आपको यूज करना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसमें ये सीक्वेंस ऐसे ही क्यों बनी है, 4s पहले क्यों, 3d बाद में क्यों, सारी लॉजिकल डिटेल क्वांटम नंबर्स में है। जिसने वीडियो मिस करी है वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में एडिट है। आप लोगों को यह भी सिखाया गया था कि s में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7 बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 3 इंटू 2 6, d में 5 इंटू 2 10 और f में 7 इंटू 2 14। तो आइए जरा एटॉमिक नंबर 9 तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से शुरुआत करनी है, और ये जो ऑर्डर आपको मिला है इस ऑर्डर में सबसे पहला नंबर 1s का है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो मैंने पहले 1s को लिखा और उसमें मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 माने एक इलेक्ट्रॉन, मेरे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये s में एक घर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने अपवर्ड फेस करा, क्योंकि हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक अपवर्ड देखता है एक डाउनवर्ड देखता है। तो अब यहां पे एटॉमिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए अगला पड़ाव आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि अब 2 इलेक्ट्रॉन भरो, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s 2 इलेक्ट्रॉन को जगह देता है, तो एक यहां पे आ गया, दूसरा यहां पे आ गया, और ये भी समाप्त, एटॉमिक नंबर 2 सेट हो गया। 3 पे आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर 1s की औकात 2 से ज्यादा की नहीं है। हाँ जी सर, ये तो ठीक बात है। तो अब तीसरे को कहां भेज दो, 1s के बाद देखो ऑर्डर में अगला आ रहा है 2s, तो 2s में भेजो तीसरे इलेक्ट्रॉन को, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 4 में 1s में 2 और 2s में भी 2 हो जाएंगे, 2 यहां पे, 2 यहां पे। तो एक सवाल आता है सर, चलो कॉन्फ़िगरेशन में तो हमें इसको फॉलो करना है और कैपेसिटी पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते चले जा रहे हैं, पर क्या ये जो डब्बे हैं इसमें हर बार ऊपर ही इलेक्ट्रॉन बनाना पहले? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये कहता है कि
कि हर घर में पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम हो, या तो पहले हर घर में सारे अपवर्ड या फिर पहले हर घर में सारे डाउनवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है पहला इलेक्ट्रॉन हर घर में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हो, या तो पहले सारे अपवर्ड या फिर पहले सारे डाउनवर्ड। अब यहां पे एटॉमिक नंबर 5 की बात करें, हमारी बुक्स ने पहला अपवर्ड प्रेफर करा है तो मैं उसलिए उसी को कंटिन्यू करता फिर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? एटॉमिक नंबर 5 में 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1s की औकात 2 की, 2s की औकात 2 की, s किसी भी ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो 2s के बाद बेचारा 2p पिक्चर में आया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पे बढ़ दिया, s में 2 p में 1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये देखिए काम सेट चल रहा है। एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2, लेकिन अब क्या किया जाए? ये p में 2 बनने हैं, एक आ गया, दूसरा यहां नीचे या अगले में ऊपर। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से बनती तो है नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, धक्का मुक्की लड़ाई झगड़े मारपीट कर देंगे, खून खराब हो जाएगा एटम के अंदर। तो एटम ने कहा एक काम करो अगले घर में भेज दो, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है पहले घर में नहीं। जब तक हम उसे बचा सकते हैं, जब तक प्रलय को बचाया जा सकता है, बचाते हैं ना, क्यों हम जानबूझ के खून खराबा लेके आए? जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो देखेंगे। तो अब एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, अब देखो दो यहां और बबुआ 3 1 2 और 3। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ गए 8, 1s में 2 2s में 2 4 हो गए, 2p में 4 4 और 4 8 हो गए, 2 और 2 और 4 1 2 3 4। मतलब हर घर में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो अपवर्ड डायरेक्शन में। जब हर घर में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब उल्टी डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, बाद में पेयर बनाना है, पहले अकेले अकेले रखना है। अब यहां जी एटॉमिक नंबर 9 का इस आधार पे 1s2 2s2 2p5 बैठा, तो 1 2 1 2 और 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलिंग क्लियर हुई। इस फिलिंग में एक दो जगह एक्सेप्शन भी आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन समझने के लिए प्रैक्टिस आनी जरूरी है। तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर 9 के जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है उसी की तरह 30 एटॉमिक नंबर तक की कंफ्यूगरेशन करनी है, इसी तरीके से प्रॉपर फिलिंग के साथ, जो कि आपका होमवर्क है। आप लोगों को 30 तक की फिलिंग करनी होगी, और 30 तक की जो फिलिंग आप करोगे उसमें एक्सेप्शंस और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कल की वीडियो में कराऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज की वीडियो एंड हो गई, बाकी है अभी, इतनी जल्दी थोड़ी पीछे छोड़ देंगे, सब्जेक्ट को नाश नहीं करना। आइए तो अगली वैरायटी पे चलते हैं। अगली वैरायटी आप लोगों के लिए क्या लेके आई, तो आप सब लोग ये पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। अब आप सब लोग वीडियो पॉज कीजिए, एनसीईआरटी खोलिए, बैग एक्सरसाइज पाइए, यू नो द ड्रिल बच्चों। अब आप सब लोगों का यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट, अगली वैरायटी क्या है देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी, क्वांटम नंबर्स को भी स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट वैरायटी में आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स के लिए पहले मैं आप लोगों को जरा कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि मान लो मेरे पास ये एक एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कतार में लग गए, और आपको यहां एक एटम का डायमीटर दिया गया डी, टोटल लेंथ दी गई एल। अब आप हर एटम का डायमीटर जोड़ दो तो टोटल लेंथ मिलेगी। मतलब टोटल लेंथ निकालने के लिए आप एक तरीके से पांचों एटम्स के डायमीटर का सम कर दो, यानी नंबर ऑफ एटम इंटू डायमीटर भी कर सकते हो। तो इसका मतलब टोटल लेंथ नंबर ऑफ एटम्स को एक एटम की लेंथ से मल्टीप्लाई करके आती है। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का एक प्रोसेस हुआ टोटल लेंथ को एक एटम की लेंथ से डिवाइड कर दो। और याद करो ये बात आपको सुनी सुनी नहीं लग रही, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल सिखाया, टोटल मास को एक मास से डिवाइड करो, एक मोल के मास से, मोल्स आएंगे, यानी नंबर निकालना है तो टोटल को 1 से डिवाइड करना है। आपने इसी चैप्टर में फोटॉन्स का नंबर भी निकाला था, टोटल एनर्जी को 1 फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करा। मतलब जब भी टोटल वैल्यू को 1 की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नंबर मिलता है। मतलब ये फॉर्मूला आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं, बस पिक्चर सेट करो दिमाग में, टोटल अपॉन 1 गिव्स नंबर, टोटल अपॉन 1 गिव्स नंबर। तो टोटल लेंथ अपॉन 1 एटम की लेंथ नंबर ऑफ एटम देता है। तो अब यहां पे आप सब लोगों को ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, बुक खोल ली है ना, आइए बुक में जरा गौर करें। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 35,
5, 36, 37 तीन क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। ओ हो सर मजा ही आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है 35। आज ये डायमीटर दे रखा है कार्बन एटम का जी कितना दे रखा है जी 0.1 भाई। आगे कुछ तो लिखा है इसके क्या लिखा है नैनोमीटर। और नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका भली बात ही जानते हैं 10^-9 से मल्टीप्लाई हो गया सॉल्व। आगे सर बताइए जरा और क्या बात है। आगे यहाँ पे आता है टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे हम नंबर ऑफ एटम मांगे गए। पर नंबर ऑफ एटम की इकलौती शर्त है कि ये दोनों सेम यूनिट हो। हर जगह नंबर की शर्त यही है ऊपर और नीचे यूनिट सेम। तो इसे आप मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहां सेंटीमीटर लाना चाहेंगे। अब क्या करें सर याद रखना सेंटीमीटर हमेशा मीटर से 2 यूनिट कम चलता है। अगर 10^-9 मीटर है नैनोमीटर से तो -7 सेंटीमीटर होगा मतलब 2 यूनिट्स कम चलेगी 10^। बस इतना ही अंतर है मेरे बच्चों इतना छोटा सा। अब यहां पे टोटल लेंथ को एक एटम की लेंथ से डिवाइड करो और आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा काम तमाम। अजी 36 क्वेश्चन पे आ जाओ आइए। हाँ भाई 36 तेरा क्या कहना है जी नंबर ऑफ एटम है मेरे पास तो कितने हैं 2×10^8 एटम्स। अच्छा ठीक है चल और क्या कह रहा है कि टोटल लेंथ भी है मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। वो मांग रहे हैं रेडियस तो आप याद करो नंबर को लेंथ इनटू वन लेंथ अपॉन वन एटम की लेंथ मान जिसमें हम डायमीटर को ट्वाइस ऑफ रेडियस भी मान सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है कॉमन सेंस है हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये कहां पढ़ा रहे हो आगे बताओ रेडियस निकालनी है तो लेंथ और नंबर सॉरी ये आर और नंबर की जगह बदल दो। तो आपको टोटल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है नीचे 2×नंबर ऑफ एटम 2×10^8 रेडियस आ जाएगी और लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी बबुआ सेंटीमीटर में ही आएगी। गॉट इट आगे नहीं मजा। 37 इसी पैटर्न पे आप करेंगे 38 पे आओ। 38 क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है थोड़ा सा देखो एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2.5×10^-16 कूलम। तो टोटल चार्ज है 2.5×10^-16 कूलम। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ और नंबर का एक लॉजिक पिक्चर मैंने आपको बिठाने के लिए कही दिमाग में गौर करो डब्बा खोलो चेक करो कहां बताया था टोटल अपॉन वन नंबर निकालना है चार्ज दे रखा है तो टोटल चार्ज अपॉन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। टोटल चार्ज कितना है 2.5×10^-16 वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज शुरू में ही सिखाया था 1.6×10^-19 कूलम हो गया सॉल्व। यानी नंबर में दिमाग नहीं मारते काम का अगर टोटल अपॉन वन पिक्चर क्लियर टेंशन सॉल्व। समझे नहीं समझे आई बात समझ में दिल में घुसी बहुत बढ़िया एक लाइक मार दो ना अच्छा सा। चलो अगली वैरायटी पे चलते हैं इतने आप लाइक करो कमेंट करो बढ़िया बढ़िया सा हम बोर्ड रन करते हैं। अगली वैरायटी आप सब लोगों के लिए क्या कह रही है आपको बेसिकली एक टाइम पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी बताया गया था छोटी छोटी क्लासों में। वो छोटी छोटी सी बात पे जरा दोबारा से गौर करते हैं। आप लोगों को ये कहा गया कि एक एलिमेंट का जो भी सिंबल है उसके नीचे एटॉमिक नंबर होगा ऊपर मास नंबर होगा। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। बस एक छोटा सा मसला है कि एटम पे चार्ज ना क्योंकि अगर एटम पे चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन की गिनती या तो बड़ी होगी या घटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के काउंट में कुछ पंगा हो सकता है पर तब जब चार्ज हो ना हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन प्रोटॉन की गिनती नहीं बदलती इसका मतलब प्रोटॉन की गिनती सीधा एटॉमिक नंबर देती है। मतलब प्रोटॉन की गिनती मिल जाए तो एटॉमिक नंबर आ गया एटम पता चल गया सिंबल मिल गया काम खत्म। इसके बेसिस पे आप लोगों के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 जिसमें अगेन मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा 42 और 43, 44 आप लोग खुद करेंगे। 42 में आपसे कहा गया है एक एटम का मास नंबर जो है वो 81 है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 81 बता दिया गया जिसमें लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन d
बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि न्यूट्रॉन की गिनती प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बताई गई है। आपसे कहा गया कि प्रोटॉन के मुकाबले 31.7% न्यूट्रॉन फालतू है, प्रोटॉन के मुकाबले न्यूट्रॉन फालतू है। कितना फालतू है? 31.7% ऑफ एक्स, प्रोटॉन की 31.7% वैल्यू न्यूट्रॉन में प्रोटॉन के मुकाबले एक्स्ट्रा है। तो आप इसको या 31.7 अपॉन 100 कर दो तो ये सॉल्व होके 1.317x आ गया। टोटल p प्लस n कर देंगे, p की वैल्यू x, n की वैल्यू 1.317x और टोटल 81x की वैल्यू सॉल्व होके यहां पे आ जाएगी 35 और x आ गया मतलब प्रोटॉन की गिनती आ गई, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 35। तो ये एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों, और 35 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है। अगला चैप्टर आप लोगों को अभी सिखाया जाएगा जो पीरियोडिक है, उसकी भी वन शॉट ही करेंगे, बेफिक्र हो। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थ्योरी तेजी में निकली, ये भी नहीं मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ये देखो इसके क्वेश्चंस भी कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे, मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन वैरायटीज आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी है। बेझिझक होकर पूरे बुक के क्वेश्चन लड़े ना, और जिसमें भी डाउट हो उसको कमेंट में लिखना, मैं क्वेश्चन की ऐसी तैसी मारूंगा, डरने का नहीं, हम है तुम्हारे साथ, बेफिक्र रहिए। तो अब आप लोगों को लास्ट में एटॉमिक मास और लिखना है सिंबल में, क्वेश्चन खत्म। अब 43 का कहता है, सर 43 में हमें एटॉमिक मास तो बताया गया जी 37 पी प्लस एन, पर एक छोटा सा मसला है, इस बार न्यूट्रॉन की जो परसेंटेज है वो प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन के मुकाबले दी गई है। माने लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी इक्वल टू एक्स, तो न्यूट्रॉन हो गया x में 11.1% फालतू, सॉल्व करके 1.111x आ गया। लेकिन प्रोटॉन की गिनती और चाहिए वरना कैलकुलेशन नहीं हो सकती, और क्वेश्चन में ये बोला गया है एटम पे यूनिट नेगेटिव चार्ज -1 का चार्ज है, और -1 के चार्ज का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, माने एक प्रोटॉन कम है, और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम लिखने का तरीका x माइनस वन हो गया। ठीक है सर, अब आगे बताइए p प्लस n बराबर 37, तो x माइनस वन प्लस 1.111x इक्वल टू 37, x की वैल्यू सॉल्व होके 18 आई, और प्रोटॉन की गिनती एटॉमिक नंबर होती है, तो इस बार x एटॉमिक नंबर नहीं है, जब तक प्रोटॉन ना मिल जाए, पहले प्रोटॉन की गिनती x थी तो आपको सीधा एटॉमिक नंबर मिला था। तो अब प्रोटॉन x माइनस वन 18 माइनस वन होता है 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन, और ऊपर मास 37, क्वेश्चन सॉल्व। आया मजा? अच्छा था ना? आप सब लोग भी करिए, डाउट हो तो बताइए, अच्छा सा लाइक करिए, डिसलाइक नहीं ना, बिल्कुल नहीं, देखो दिल नहीं तोड़ना, समझे? लेकिन आप सब लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो ज्यादा जरूरी है। डाउट रह जाए तो बेझिझक पूछना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सब लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए चैनल को। बाय बाय।